आ चुके हैं हम लोग होटल में, और ये जा रही है गाड़ी जिसने हमें छोड़ा था, ये देखिए, और ये हमारा सामान जा रहा है, और ये देखिए भाई बंद मत हो, खुल जाओ, हम आ रहे हैं। क्रमा हम बैठ जाते हैं यहाँ, क्योंकि इतने जो है वो सब देखना पड़ेगा ना। टी गार्डन लिखा हुआ है भाई वहाँ पर, नो स्मोकिंग, यहाँ पर आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते, ये सब वैसे कंट्रीज हैं। तो ये जद्दा के अंदर हम लोग आ चुके हैं होटल के अंदर, अपने एयरपोर्ट से अलहामरा एरिया के अंदर हैं, और ये न्यू कॉर्निश जो है उसके ऊपर ये होटल बना हुआ है, इंटर कॉन्टिनेंटल होटल है ये, 5 स्टार लग्जरी होटल है IHG ग्रुप का, और 2 कॉर्निश है यहाँ पे, पुराना और ये नया वाला। तो ये जो एरिया है अलहामरा, जो VIP एरिया है यहाँ का, ये न्यू कॉर्निश के ऊपर है। जब हम कजाकिस्तान के अंदर अभी पिछले हफ्ते थे, तो वहां पे हम जिस होटल के अंदर स्टे कर रहे थे वो भी IHG ग्रुप का ही होटल था। तो चलिए इंटर कॉन्टिनेंटल होटल जद्दा का एक रूम टूर यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इन लोगों ने दे रखी हैं। तो जैसे ही रूम में एंट्री होती है, सबसे पहले तो ये मिल जाती है एक कबर्ड, जिसके अंदर आपको लॉकर मिल जाता है, आप अपना यहाँ पे जरूरी सामान, जैसे आप बाहर जा रहे हैं वैल्यूएबल आइटम्स कोई भी रख सकते हैं, हैंगर है इसके अंदर, और उसके बाद आयरन बोर्ड है और प्लस आयरन भी है, तो आप अपना कपड़ों के ऊपर प्रेस वगैरह यहीं पे कर सकते हैं, और ऊपर एक शेल्फ अलग से दे रखी है। फिर उससे जब आगे बढ़ते हैं ये, तो वार्डरोब से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये है यहाँ का मिनी बार, जिसके अंदर मिनी बार और फ्रिज के अंदर भाई देखिए फर्क ये है कि मिनी बार में आपको पहले से चीजें रखी हुई मिलती हैं जो पेएबल बेसिस के ऊपर है, आपको यूज करना है आप यूज कर लीजिए। जैसे ये देखिए चाबी, और इससे हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं किस तरह इसका ताला खुलेगा, इसको खोलेंगे। तो ये मिनी बार में देखिए क्या क्या सामान यहाँ पे दिया हुआ है, रेडबुल है, मिरिंडा है, 7 अप है, लिप्टन आइस टी है, और उसके बाद फ्रूट जूस है, पानी की बॉटल है EVN की, और एप्पल जूस है, और कोका कोला है। तो ये तमाम चीजें जो मिनी बार के अंदर है यहाँ पे होटल में, ये पेएबल बेसिस में है, जिसका रेट कार्ड ऊपर रखा रहता है, आपको लेना है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करिए, और जब आप चेकआउट करें उस वक्त आप उसका बिल पे कर दीजिए। फिर मंचिंग के लिए और स्नैक्स के लिए जो आइटम अवेलेबल है उसमें ये हैं तमाम अलग अलग तरीके की चीज़ें, जिसमें कॉर्नफ्लेक्स की भी कुछ आपको यहाँ पे बार्स मिल रहे हैं, फिटनेस बार भी हैं, प्रोटीन बार भी हैं, और प्रिंगल जैसे हर जगह होता है वो, और ये हमारी एक बहुत पसंदीदा चीज़ यहाँ पे मेंटोस मिल रही है, तो मेंटोस भी है, उसके बाद नट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट हैं, बाउंटी है, बाउंटी में बहुत ज़्यादा पसंद है इसका फ्लेवर। और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये रखे हैं ग्लासेस, जिसके बाद अच्छा दो इसके अंदर जो है 4 ग्लासेस हैं, 2 आपके मीडियम साइज और 2 टॉल ग्लासेस। ये इन रूम रिफ्रेशमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये है, ये इन रूम रिफ्रेशमेंट है जिसमें इसकी पूरी डिटेल दी है, प्राइसिंग दी है। उसके बाद आप जब टर्न लेते हैं दूसरी तरफ, तो टर्न लेते हैं और ये आ जाता है वॉशरूम, तो वॉशरूम के अंदर आ गए हैं, और ये वॉशरूम है इस तरीके से, यहाँ पे ये इन लोगों ने फोन दे रखा है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इसके लिए स्पीकर की ये है टोन यहाँ पे, इसे आप सेट कर सकते हैं म्यूजिक। और वॉशरूम में देख लेते हैं, हेयर ड्रायर प्लस टॉयलेटरी किट्स जितनी भी होती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल, डेंटल किट्स से लेके आपका शेविंग किट और तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ग्लासेस यहाँ पे भी हैं, जब आप ब्रश करेंगे तो आपको ज़रूरत तो पड़ेगी जाहिर सी बात है। उसके बाद बॉडी लोशन, हैंड वॉश, और यहाँ पे शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, सारी चीज़ें, बाथ टब भी है यहाँ पे जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फ्रेश टॉवल्स हैं, आप जो है डेली भी चेंज करवा सकते हैं, और उसके बाद आप इसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। और उसके बाद मिनी बार के बराबर में एक और वार्डरोब है, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शूज़ पॉलिश करवाएं और क्लीन करवाएं तो आप यहाँ पर रख दीजिए, ये इंस्टेंट सर्विस है, आप टेलीफोन के ऊपर अपना इंस्टेंट सर्विस बटन दबाइए, वो आएंगे लेके जाएंगे और आपके शूज़ बिल्कुल चमकते हुए वापस लेके आएंगे। उसके बाद ये है बाथरोब, और यहाँ पे फिर से हैंगर आ जाते हैं, ये सॉफ्ट हैंगर भी है यहाँ पे, और ऊपर फिर से यहाँ पे वेलेस सर्विस के लिए एक इन्होंने जो है बुकलेट दे रखी है, प्लस एक और शेल्फ। ये मिरर है जैसे ही बाहर निकलते हैं इसके सामने ही, और फिर रूम की शुरुआत इस तरीके से कुछ होती है।
तो ये रूम है जिसके अंदर दो ट्विन बेड हैं। एक्चुअल में ये ट्विन बेड तो है नहीं, ये पूरा डबल बेड है फुल साइज का। अगर आप देखेंगे इसमें साइड बाय साइड इन्होंने 2+2 के कॉम्बिनेशन के अंदर पिलो रख रखे हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी। तो ये पूरे डबल बेड ही हैं दो, इसमें बहुत आराम से 4 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ हमारा लगेज रखा हुआ है और इस लगेज के नीचे स्लीपर्स दे रखी हैं इन्होंने, ये रही स्लीपर्स। वेट मशीन है, वेट मशीन के साइड में जगह है तो वहाँ पर हमारे छोटे वाले बैग्स आ गए हैं। और ये है टेलीविज़न, टेलीविज़न के साथ में है उसका रिमोट कंट्रोल। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे जूस कॉफ़ी के लिए मशीन आ गई, उसके बाद आपके पास यहाँ पे कप्स आ गई हैं, पानी की बोतल आ गई है, और ये पूरी ड्रॉज आ गई हैं जिसमें हमारा सामान रखा हुआ है। और ये हम लोगों को एयरपोर्ट पे मिले थे गिफ्ट, तो इसको भी ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या है। देख लीजिए आप, सऊदी वेलकम टू अरेबिया, ये हम लोगों को गिफ्ट मिले थे। तो हम लोग जैसे ही एयरपोर्ट से अपने अराइवल टर्मिनल से बाहर निकले तो वहाँ पे हमको सऊदी के कुछ क्या बोल सकते हैं उनके जो काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ के, वो लोग मिले जिन्होंने हम लोगों को गिफ्ट दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सऊदी वेलकम टू अरेबिया। और ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म के गिफ्ट दिए हैं हम दो लोगों को, हमको और अम्मा को। तो ये गिफ्ट हैं हम लोगों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टाफ था सऊदी एयरलाइन का भी, बड़े उन लोगों ने हमारी खातिरदारी करी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हर फैसिलिटी सारी चीज़ें, और बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक्सपीरियंस था। जैसा कि व्लॉग के अंदर आपने देखा होगा, दूसरे वीडियो के अंदर नहीं देखा है तो उसको बहुत लाजमी तौर पे उसको देख लें। और इस रूम की एक चीज़ और जो अभी बताना भूल गए थे वो ये कि इसके अंदर किबला डायरेक्शन, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं तो वो इस तरीके से होता है, तो यहाँ भी है, जाहिर सी बात है यहाँ तो हो गई। तो ये किबले का डायरेक्शन है और बस। बाकी दूसरे व्लॉग जो आने वाले हैं, जो वीडियो आने वाले हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की जानकारी भी मिलने वाली है और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होने ही वाला है, तो उसके लिए ज़रूर देखते रहें बाकी के वीडियोस और जो पिछले हैं उनको भी देखें। इस तरीके से ये पूरी यहाँ पे अलग अलग ड्रॉज आ गई हैं, ये आ गई। कारपेट बहुत अच्छा बिछा हुआ है यहाँ पे। और ये फिर बीच में सेंटर टेबल आ गई जिसके ऊपर आपका टिश्यू बॉक्स हो गया और पूरा सेंट्रल कंट्रोल हो गया हर चीज़ का। आप वेकअप अलार्म भी लगा सकते हैं इसके अंदर, पावर को ऑफ भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। उसके बाद ब्लूटूथ FM रेडियो अलार्म सेट कर लीजिए, जो चाहे वॉल्यूम बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप कोई नोट छोड़ना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए पेन और नोट भी अवेलेबल है। और ये है टेलीफोन जिसका यूज़ आप जब हाउसकीपिंग, रूम सर्विस, इंस्टेंट सर्विस किसी को भी बुलाएंगे तो उस वक्त करेंगे। यहाँ पर आपको मिलती हैं एक और ड्रॉज और इसके अंदर है जानमाज और ये है कुरान शरीफ। उसके बाद ये सेकंड बेड से आगे जब बढ़ते हैं तो ये सिटिंग एरिया है जिसमें इन्होंने दो चेयर्स दे रखी हैं और बीच में एक सेंटर टेबल है। और अभी अभी हमारे लिए यहाँ पे रूम सर्विस के जो लोग हैं वो फ्रेश फ्रूट्स लेके आए हैं, जिसमें एप्पल भी है, जिसके अंदर ग्रीन एप्पल है, रेड एप्पल है, बनाना है रेड, इसके अंदर ग्रेप्स हैं, ऑरेंज हैं, और साथ में प्लेट है जिसे हम लोग अभी खाएंगे। फिर आगे जब आते हैं तो ये टी एंड कॉफ़ी काउंटर है जिसमें टेबल है, टी एंड कॉफ़ी काउंटर में पानी की एक बोतल भी रखी हुई है और उसके बाद एक ये भी रखी हुई है मशीन, इसके अंदर आप जब आप फ्रेश चाय कॉफ़ी लेना चाहें तो उसके लिए। फिर आपके पास यहाँ पे केटल है और तमाम अलग अलग किस्म की चाय और कॉफ़ी की वेराइटीज़ हैं आपके पास यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये अलग अलग किस्म की वेराइटीज़ हैं जिसमें इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी है, जिसमें क्लासिकल अर्ल ग्रे भी है। ये जब हम श्रीलंका गए थे तो हमने उस फ्लाइट के अंदर क्लासिक अर्ल ग्रे की चाय पी थी, बहुत ज़बरदस्त होती है। और फिर आपके पास यहाँ पे हर किस्म के स्वीटनर्स भी हैं जिसमें जिन लोगों को शुगर फ्री चाहिए उनके लिए वो भी ऑप्शन है, कॉफ़ी भी है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतने ऑप्शन हैं कि आप कितना यूज़ कर लेंगे इसको। फिर दो बैग हम लोगों के यहाँ पे आ गए हैं, ये सोफ़ा है, सोफ़े के साथ ये टेबल है और बीच में इन लोगों ने कारपेट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाया है राउंड करके। उसके बाद ये रहे लैम्प और ये पेंटिंग है, अब ये किस चीज़ की पेंटिंग है ये हमें इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये यहाँ से इस तरीके से देखते हैं तो फिर ये आ जाता है वर्क स्टेशन, ये वर्क टेबल है भाई। और इसका लैम्प आपका ये रहा जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसे अभी हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ आप स्कैन कर सकते हैं जिसमें आपको मेन्यू, डायरेक्टरी, सर्विसेज सारी चीज़ें मिल जाएंगी जब आप इसे स्कैन करेंगे। ये है टेलीफोन यूज़ करने के लिए आपके, वो घड़ी और चश्मा हमारा है। उसके बाद ये पावर सॉकेट्स हैं, ये हैं पावर सॉकेट्स जिसमें आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर जो भी आपको यूज़ करना है आप उनको यूज़ करिए तमाम चीज़ों को। और ये आपकी चेयर हो गई नीचे इस तरीके से, यहाँ पे भी पेंटिंग्स हैं और बीच में सेंटर लैंप भी है
और ये कुछ पूरा कमरा है। और व्यू की अगर बात करें तो हमें ये मिला है एक ओपन एरिया यहाँ पे, और ये है हमारा व्यू जिसमें आपको फ्लैग दिख रहा है IHG ग्रुप का, सऊदी अरेबिया का, इंटरकॉन्टिनेंटल का। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वाली जगह है ये, बहुत अच्छा होटल है ये, सामने ही समंदर है बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र लाखों बार करोड़ों बार कि उसने इस लायक बनाया और इस लायक समझा कि हम यहाँ पे आएँ। और इंशाल्लाह कल यहाँ से रवानगी होगी, मीकात के ऊपर जाएंगे, वहाँ से आराम बांधेंगे और उसके बाद उमरा के लिए सीधे मक्का पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो ये था रूम टूर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जद्दा का इस तरीके से। एक बार और